आप लोगों के साथ ये जो खूबसूरती सुबह सुबह का ये जो नज़ारा आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ मैं, मतलब धन्य हूँ भाई। ऑफ रोड देखो भाई, ये क्या चीज है भाई, रोड का नामो निशान नहीं है इधर। हालत देखो, इलेक्ट्रिक रिक्शा लेके ऐसे खींच के लेके जा रहे हैं स्कूटी भाई, अलग लेवल वाला फन हो रहा है अभी यार, क्या ही बताओ। ओए भाई साहब ये दिन मैं याद रखूंगा। गुड इवनिंग कैसे टाइम हो रहा है 7 और मैं अभी हूँ बिलास भाई के दुकान पे। तो अभी मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, पूरा दिन बहुत भाग दौड़ी में गया यार, बहुत हेक्टिक दिन गया है, अभी भी मतलब परेशानी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि इस क्लिप से पहले जो स्कूटी आप लोगों ने देखा था मैं टू करके लेके आ रहा था, वो स्कूटी फिर से खराब हो चुका है। तो वो मैं अभी फिर से, अगर बिलास भाई जब आ जाएंगे तो फिर से मैं गैराज पे ले जाऊंगा उसको दिखाना है। अगर वो ठीक नहीं हुआ तो मतलब आज यार मैं घूमने जा रहा हूँ, ट्रैवल करने जा रहा हूँ, बहुत दिन बाद जा रहा हूँ यार, मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करूँ। अगर वो मैं दे नहीं पाऊंगा तो पापा ड्यूटी जा नहीं पाएंगे, अगर पापा ड्यूटी जा नहीं पाएंगे तो मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा, मतलब क्या ही बताओ यार, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ अभी। और टाइम फिर से देख लेते कितना हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 7:04। वेलकम बैक टू माय चैनल, होप तुम मित्र बहुत से अच्छे होंगे। तो अभी फिलहाल के लिए बिलास भाई का वेट करते हैं और फिर उसके बाद जाएंगे वहाँ पर गैराज पे, स्कूटी ठीक करेंगे, देखते हैं कितना तक काम होता है। क्योंकि मतलब जो सेल्फ रिलेटेड जो नाम का एक चीज़ है वो सही करना है, तो वो सही करेंगे फिर उसके बाद सही हो जाएगा। तो ठीक है चलते हैं पहले वहाँ पर और फिर मिलते हैं आप। तो जैसा अभी देख पा रहे हो बाइक का काम चल रहा है, मतलब फॉग लाइट इंस्टॉल हो रहा है। तो दोनों साइड से मतलब कहाँ से अंदर से आराम से तार लिया जाए और एकदम से प्रॉपर तरीके सही जगह पे सेट हो जाए, तो उस जुगाड़ लगाया जा रहा है। तो वही जुगाड़ अभी ये दोनों बंदे यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। और ये रहा आकाश, बंदा आ चुका है। तो यार मेरा जो प्रॉब्लम था अभी तो फिलहाल के लिए वो सॉल्यूशन हो गया है, और अभी बाइक का काम कंप्लीट होने दो और फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोग। आसिया की माँ टाटा, हाँ। तो फाइनली गाइस हम लोग अभी निकल चुके हैं, बहुत सारे काम कर रहे थे यार उस दिन से, हालत एकदम से ख़राब और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। वो लोग तो भाई निकल चुके हैं, मैं हॉट टाइम की तरह लेट। फ़ोन मैंने ले लिया, हाँ फ़ोन ले लिया सारे कुछ पॉकेट में। चलो तो फर्स्ट ऑफ होगा गाइस हमारा पेट्रोल पंप, तो पहले पेट्रोल पंप जाएंगे फिर उसके बाद बाकी काम होगा। जय माता दी। तो उम्मीद कर रहा हूँ गाइस आप लोगों को सब कुछ सही दिख रहा होगा। फाइनली निकल गए यार, अबे वो तो सब लोग तो उड़ उड़ के जा रहे हैं भाई। चलो 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 चले मिथिबा उन इच नीच राह में। तो बहुत शिद्दत के बाद, बहुत मतलब जो हैक्टिक दिन गया है यार, क्या ही मैं बताऊं आप लोगों को, ये काम वो काम सारे कुछ कंप्लीट करते करते मतलब रात के 10:30 बज गया था। और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 1:07 क्रॉस हो चुका है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी जब पेट्रोल पंप पे रुकेंगे तब आप लोगों को बताएंगे। तो पहले पेट्रोल पंप पे जाते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं, पार्कपुत्र में क्रॉस करें बाय। ओहो
चुके हैं रिलायंस पेट्रोल पंप, जो कि हमारा फ्यूल स्टॉप है, क्योंकि फ्यूल पहले फ्यूल अप करेंगे भाई, फिर उसके बाद अभी निकलेंगे। तो गाइस हुर्रे हुर्रे तो अभी टाइम हो रहा है 1:01। तो मैं आप लोगों को गलती से बता दिया था कि ऑलमोस्ट देर बज गया है। तो अभी हम लोग हैं रिलायंस पेट्रोल पंप पे बाइका क्रॉस करके, और अभिजीत, आकाश और त्रिदीप, जो कि हमारे चैनल का मतलब न्यू मेंबर है। तो यार कैसा लग रहा है? अभी तो राइड जस्ट स्टार्ट हुआ है, उम्मीद करूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा तुझे। तो चल तो गाइस चलो हम लोग इसके साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे, कहीं रुकते हैं चाय पीने के लिए और अभी जस्ट फिल अप कर लेते हैं, सब लोग फुल टैंक कर देंगे एकदम, तब बाहर से निकलेंगे भाई साहब। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं रायगंज, और ये है सिलीगुड़ी चौक, और सामने से जा रहा है श्यामोली। वाओ, अभी गाइस जो मेरा बाइक अभी जी चला रहा है, और शायद से यहाँ पर चाय पीने के लिए रुकेंगे ये लोग, शायद से क्या रुके हैं, यही शायद से ये लोग चाय पियेंगे। तो हे गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:19। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रायगंज, और कुछ भैया लोगों के साथ मुलाकात हुआ, तो पहले इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो भैया आपका नाम? गौतम मंडल। और भैया आपका नाम? अमित शाह। और भैया थोड़ा सा आपका नाम बता देंगे तो अच्छा होगा। हमारा देबू शाह। तो देबू शाह, ये जो भैया है ये कालियागंज के रहने वाले हैं, और साथ ही साथ रायगंज के, आप लोग रायगंज के हो ना? हम रहते हैं मालदा। अच्छा, आप मालदा से रहते हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर हम लोग रुके थे चाय पीने के लिए, तो भैया लोग सिलीगुड़ी जा रहे हैं तो किसी काम से, तो इन लोगों के साथ अभी जस्ट मुलाकात हो, भैया लोग आए यहाँ पर, पूछ रहे थे कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ मतलब कहाँ घूमने जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हो, तो थोड़ा बातचीत होकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बीच में यार थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, उसी दिन से आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और एकदम से मतलब पूर्णिया से जो खुशबुल्ली है एकदम, मतलब क्या ही बताओ, एकदम बहुत ही गंदा रास्ता है, बहुत ही इतना गंदा पहले नहीं था, और बीच बीच में इतना ज़्यादा बम्पर पे करे वो इतना देर रखता है तो क्या ही बताऊँ। तो अभी तो फिलहाल के लिए चाय पीने वाला हूँ, और चाय वगैरह पी के फिर उसके बाद निकल जाएंगे सीधा इस्लामपुर के लिए, मतलब इस्लामपुर के जाके वहाँ पर ही हम लोगों का स्टॉप होगा। तो जब हम लोगों का स्टॉप कंप्लीट होगा तो वहाँ पर फिर से आप लोगों के साथ मिलेंगे। अभी से मैं मतलब बाइक चलाने वाला हूँ, आकाश चला रहा था, तो ठीक है। थैंक यू भैया, आप लोगों के साथ मुलाकात होकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो एक सपोर्ट कीजिएगा, एकदम सब्सक्राइबर बढ़ गया भाई, एकदम बढ़िया लगा। टोल प्लाजा हम लोग आ चुके हैं, और साथ ही साथ जो प्लान था मेरा चलाने का, अभी तक मुझे बाइक नहीं मिला, आकाश ही चला रहा है। और साथ ही साथ गाइस अच्छा लग रहा है, इतनी बढ़िया से फॉग में हम लोग अभी बाइक चला रहे हैं, ज़्यादा कोहरा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है यार, क्योंकि रास्ता देखो खाली है एकदम से, और पूरा हाईवे है, आप लोगों को तो फॉग दिखेगा ही दिखेगा, ये आप देख पा रहे हो, और सारे लोग निकल रहे हैं जो ना भाई, क्या ही बताऊं वो। पहुंच चुके हैं, और इतनी गंदी सी मतलब धूल मिट्टी भाई, और यहाँ से 127 किलोमीटर है सिलीगुड़ी, हार्डली 2 से 2.5 घंटा।
वाह यार, बहुत दिन बाद हाईवे पे ऐसे खींच के इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार हाईवे पे, इतना दिन बाद मैं बाइक चला रहा हूँ, मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया है, मतलब ऐसा वाला सीन हो रखा है। और बीच बीच में बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है क्योंकि मतलब रात है देखो, और साथ ही साथ सामने से भी लाइट आ रहा है तो कुछ कुछ खड्डे दिख नहीं रहे हैं, इसी से कभी कभार दिक्कत थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ऐसा सोच रहा था कि सुबह होते ही पहाड़ का दर्शन अगर मिल जाए तो मतलब दिन बन जाएगा दिन दिन। तो गाइस आज के राइड का दूसरा टोल प्लाजा आ चुका है और ये है शुजापुर टोल प्लाजा, अभी हम लोग क्रॉस करें। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी शायद से 5:15 या 5:30 ऐसा कुछ टाइम हो रहा है और ये जो फ्लाईओवर अभी जा रहे हाँ और ये फ्लाईओवर देखो भाई। तो गाइस ये जो रोड देख रहे हो ये नया फ्लाईओवर बना हुआ है और जो देखने में लग रहा है यार सारे दोनों तरफ लाइट देखो ऐसे ब्लिंक कर रहे हैं और साथ ही साथ मतलब ये देख के ऐसा लग रहा है कि नया नया बना हुआ है और बहुत बढ़िया बना हुआ है क्योंकि ये जो फ्लाईओवर पहले नहीं था, इतना दिक्कत होता था ये जगह से जाने में और रोड ख़राब और बाजू में जो फ्लाईओवर था वो भी मतलब हालत एकदम से ख़राब था तो उसी दिन से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, मतलब फ्लाईओवर के बीच में से बड़े बड़े खड्डे देखने को मिलते थे। लेकिन ये फ्लाईओवर बन के तैयार हो चुका है, ये काम चल रहा था बहुत दिन से तो अभी मतलब रिसेंटली शायद से कंप्लीट हुआ होगा। तो मतलब बाइक चला के मक्खन जैसा लग रहा है और सबसे ज़्यादा यार मुझे एक चीज़ का ज़्यादा मतलब वो इशू लगा कि यार नेशनल हाईवे पे जगह जगह पे स्पीड ब्रेकर दे रखे हैं, मतलब ऐसी ऐसे दे रखे हैं कि कभी कभार मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि बम्पर है। सिलीगुड़ी है 97 किलोमीटर, गुड मॉर्निंग गाइस, चल्लाई मेरे दिए ची चल्लाई। अभी देखो मतलब अभी फॉग देखो भाई, सामने पूरी कुछ भी नहीं दिख रहा है, अभिजीत जो सामने जा रहा है वो भी नहीं दिख रहा है और साथ में यार अल्टीमेट वाला फीलिंग हो रहा है मेरे अंदर और एनर्जी भरपूर है, भरपूर एनर्जी है भाई। और बस रोड कंडीशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, जगह जगह मतलब खड्डे रिपेयर करके गए हैं और ऊंचे नीचे हो रखे हैं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, बाइक चला के मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ कुछ जगह है इतना मक्खन जैसा चुम्बेश्वरी वाला रोड हो रखा है और वहाँ पर बाइक चला के तबाही वाला मज़ा आ रहा है भाई। तो अभी भी थोड़ा सा अंधेरा है गाइस, एकदम से क्लियर होने दो फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। आप देख सकते हो क्या ही कोहरा है भाई, कुछ नहीं दिख रहा है। वो भाई साहब क्या ही कोहरा है, सुबह सुबह कुछ भी नहीं दिख रहा है, सामने अभिजीत का है कुछ भी नहीं दिख रहा है यार, तबाही वाला सीनिक ब्यूटी हो रखा है। हालांकि कोहरा में मतलब दिख नहीं रहा है लेकिन फीलिंग्स जो है तबाही वाला अल्टीमेट वाला फीलिंग्स है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। साथ में थोड़ा सा ठंड भी लग रहा है क्योंकि नीचे मैंने ज़्यादा कुछ पहना नहीं, जैकेट के नीचे और दो ही टी शर्ट मैंने पहना है, उसी से ठंड थोड़ा बहुत लग रहा है यार। लेकिन यहाँ का जो नज़ारा देखो, वाह दिल बाग बाग हो गया सच में। आप लोगों के साथ ये जो खूबसूरती सुबह सुबह का ये जो नज़ारा आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ मैं, मतलब धन्य हो गया भाई, धन्य हो गया। मेरा वाइज़र पूरा एकदम से क्लियर नहीं दिख रहा है वाइज़र से, उसी दिन से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है।
के ट्रिप का लास्ट टोल प्लाज़ा ये रहा, घोसपुकुर टोल प्लाज़ा। और शायद से सामने लुकने वाले हैं क्योंकि बहुत देर से चाय नहीं पिए हैं, तो चाय पीने वाले हैं और फिर उसके बाद निकलेंगे। ये रहा टोल प्लाज़ा, अब जीत लोग पीछे हैं वो। यार आकाश, चाय की दुकान देख के रुकना यार, वो सामने 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 वो सामने। तो गाइस, इन लोगों का थोड़ा सा मतलब अभी छोटा मोटा सा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है। हम लोग चारों बंदे ने चाय पी लिया, त्रिदीप ने खाया है और फिर उसके बाद अभिजीत और आकाश ने खाया है। अब बॉयल एक थोड़ा थोड़ा करके भूख लगा था, मुझे भी थोड़ा सा लगा था, मेरा चाय से काम हो गया तो उन लोगों ने खा लिया। तो अभी यहाँ से निकलने वाले हैं भाई, कुछ देर में सिलीगुड़ी पहुँच जाएंगे और सीधा मिलते हैं सीधा सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी 13 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। दार्जिलिंग मैंने देखा नहीं, काशियांग मैंने देखा 38 किलोमीटर। तो वही पुराना वाला रोड रोहिणी रोड लेने वाले हैं, वही रोहिणी रोड का खूबसूरती देखते हुए हम लोग जाएंगे। तो ये अभी बागडोगरा क्रॉस करके हम लोग आ चुके हैं पानी टैंक की मोड़, मतलब पानी टैंक की चौक। मोड़ तो हम लोग बंगाली में बोलते हैं और चौक बोलते हैं हिंदी में। गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं रोहिणी मेन रोड पे और ये है रोहिणी चेक पोस्ट। और रोहिणी चेक पोस्ट क्रॉस करते हुए भाई साहब, हाय 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 हाय, क्या ही दिन क्या ही सुबह, वो मतलब अलग लेवल अलग लेवल। ओ भाई सामने देखो, आकाश दिख रहा है भाई, क्या क्लियर वेदर है, ऊपर देख भाई सामने दिख रहा है कांचनजंगा देखा था अभी। हाँ कांचनजंगा दिखेगा भाई इस बार, कांचनजंगा पिक दिखेगा। तो क्या बोलती है रे पब्लिक, क्या इच बोलती है, देखेगी थारो कांचनजंगा देखेगी थारो। वेलकम टू दार्जिलिंग डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। না ভাই এরকম করিস না ভাই, কিছু করার নাই, চলো ওটা ওকে বলিস একটু সবাইকে করছি। ফাইনালি হম লোক টোল ক্রস কর চুকে হ্যাঁ, আর পহলে ইয়ে বালা টোল কা মতলব বাইক কে লিয়ে কোই টোল নেই লাগতা থা, লেকিন অভি কে লিয়ে লাগতা হ্যায়। আর কিতনা লিয়া বাইক কা টোল ও পতা করনা পড়েগা অভিজিৎ সে। आए हाय हाय, हाँ ये क्या हो गया भाई, हमारे किस्मत में क्या खराब रोड ही लिखा है क्या आज आकाश? Hey guys, अभी हम लोग काशियांग व्यू पॉइंट पे हैं अभी, और त्रिदीप का बाइक सामने है, ये रहा आकाश का बाइक। और सामने का नज़ारा देख रहे हो भाई, एकदम से मतलब सूर्य उदय हो चुका है, सुमस बड़ी क्लियर वाला वाइट, थोड़ा हल्का सा फॉगी हो रखा है, और ज़्यादा क्लियर होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता है शायद से ऊपर और जाने में, मतलब और बढ़िया क्लियर वेदर मिलेगा। लेकिन चारों तरफ देखो यार, और ऊपर तो क्लाउड्स ही दिख रहे हैं, टाइम लैप्स लेने में मज़ा आएगा भाई। वाओ सच्ची में यार क्या ही नज़ारा है, वाओ।
गाइस अभी हम लोग हैं कारशंग पे और ये मेन टाउन है कारशंग का और ये स्टेशन है गाइस कारशंग का, आप देख पा रहे हो। और ज़्यादा दूर नहीं है हमारा डेस्टिनेशन, मतलब जहाँ जा रहे हैं सोनाडा वो यहाँ से 17 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है और कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे, आधा घंटा हार्डली, आधा घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। यार बहुत ही ज़्यादा जैम है इधर, बहुत ज़्यादा जैम है। पहुँचने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होकर घर पे फ़ोन भी करना है क्योंकि घर पे फ़ोन नहीं किया, फिर फ़ोन करके बताना है कि पहुँच गए। और बहुत दिन बाद आपका भाई कारशंग के सड़कों पे बाइक चलाते हुए भाई। तो गाइस दोस्त लोग तो चले गए हैं यार, पहले मैं रुक गया था गोप्रो का बैटरी चेंज करने के लिए, तो वो लोग बता रहे हैं कि यही वाला रोड है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूशन में हूँ, तो जाके देखता हूँ वो बता ये गली पे रोड पड़ेगा, देखता हूँ पहले। ये तो एकदम चराई है भाई। भाई ऑफ रोड देखो भाई, ये क्या चीज है भाई, रोड का नामो निशान नहीं है इधर। भाई साहब ये कौन सी जगह है भाई, ये तो भाई तबाही वाला चीज है। ये रोड है इधर? हेलो हेलो, बहुत रोड खराब है इधर भाई, यहाँ रोड कहाँ है भाई? आकाश रोड कहाँ है, रोड कहाँ है, पत्थर दिख रहा है इतना बड़ा बड़ा। ঘুরে আসলি কেন? এদিকে भाई, ये तो कोला खाम, ये काफिर गांव, ये सब वाला रोड का याद दिला दिया भाई। खतरनाक ऑफ रोड है, और क्या क्या करवाएगा तू? ओहो भाई, इस लाइफ में और कहां कहां मैं बाइक लेके जाऊंगा।
ओए ओए ओए। हे गाइस, हम लोग करीब 10:30 बजे पहुंच गए थे और यहाँ पर त्रिदीप का फ़ोन लगा हुआ है और यहाँ हमारा मेरा GoPro। तो ये जो खूबसूरत सा नज़ारा है और खूबसूरत सा जो क्लाउड्स है, इनका टाइमलेस बनाया जा रहा है जो कि मैं आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग पे शेयर करूँगा। और उधर सामने आप देख पा रहे हो वो रहा हमारे बाइक्स पार्क्ड हैं, और आते टाइम तो आप लोगों ने देख लिया कि क्या ही खतरनाक वाला मतलब चढ़ाई रूट था। सोच रहे मतलब जब उतारेंगे तब भी फटेगा भाई, पूरा फटेगा। लेकिन बहुत पीसफुल जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है और साथ ही साथ गाइस बढ़िया जगह है। आप लोग अगर यहाँ पर आना चाहो तो कारसियांग जो स्टेशन है वहाँ पर जिस किसी से पूछ लो ये होमस्टे फुर्सत होमस्टे, तो अगर आना है तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। जिस किसी से भी अगर पूछ लो आपको बता देगा। और नज़ारा देखो भाई। तो पहले गाइस थोड़ा सा सिनेमैटिक एंजॉय करो, फिर मिलते हैं आप। कैसा लगा गाइस आप लोगों को सिनेमैटिक शॉट्स? उम्मीद करूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और अभी जो खड़े हुए हैं और नीचे से ये आप देख पा रहे हो क्लाउड्स जा रहे हैं, यार कई लग रहा है तबाही वाला। तो मतलब उम्मीद कर रहा हूँ ये सीरीज, ये ब्लॉग आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे हो। और यहाँ तक देखे हो तो कॉमेंट में ज़रूर से ज़रूर कॉमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और साथ ही साथ मतलब वो रहा अभिजीत को देखो उधर घर पे बातें कर रहा है। भाई कैसा लगा तुझे जगह? थैंक यू भाई, थैंक यू। और ये रहा गाइस हमारा रूम। और उधर आकाश थोड़ा सा टायर्ड था, मंदा कल काम से मतलब डायरेक्ट ऑफिस से निकल के हम लोग के साथ निकल गया था, तो उसी से अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। और ये ओवरऑल हमारा रूम, खूबसूरत सा छोटा सा रूम, मुझे तो ओवरऑल बहुत बढ़िया लगा एकदम से। और ये चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है, आप लोगों को तो पता है यार लड़कों का रूम उतना ज़्यादा साफ नहीं रहता है, है ना आकाश? अबे यार थोड़ा सा बंद कर दे यार, कॉपीराइट आ जाएगा। लड़कों का रूम मतलब सजा धुजा नहीं रहता है, ऐसे बिखरा हुआ रहता है। तो गाइस मैं थोड़ा सा आप लोगों को रूम दिखा रहा था और उस टाइम मेरा खाना मैं बाहर रख दिया था और डॉगी ने गलती से मुंह दे दिया और मेरा खाना ख़राब। तो मैंने फिर से उनको बोला तो बना के दे रहे हैं। और उम्मीद करूँगा आप लोगों को रूम भी देख के अच्छा लगा होगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को मैं और ज़्यादा नहीं खींचना चाहता हूँ, यहीं पर ही ख़त्म करना चाहता हूँ। बाथरूम में बाद में दिखाऊँगा क्योंकि त्रिदीप गया है। तो अगर मेरा छोटा सा वीडियो मतलब छोटा सा बोलना गलती होगा, बड़ा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर से लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो और ये ट्रैवल ब्लॉग सोनादा का। और साथ ही साथ चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी करना, उसके पास जो बेल बटन है उसे भी प्रेस करना ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।